ये कौन से अटेम्प्ट था आपका कृतिका ये सर मेरा फर्स्ट ही था राजस्थान में फर्स्ट था तो आपने बारे में थोड़ा बताइए आप कहाँ से रहने वाली हैं और आजकल क्या कर रही हैं फैमिली बैकग्राउंड क्या है थोड़ा तो आप बताइए सब बेसिकली मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन एमपी बट देन मैंने शादी के बाद 2017 में मैं राजस्थान आई तो जयपुर अब मेरा ससुराल है तो और करेंटली मैं दिल्ली मेट्रो में आ, कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट के पोस्ट पर काम कर रही हूँ अच्छा। और आ, मेरा बेटा है तीन साल का और बस इसी के साथ पढ़ाई की थी ये आप साधारण बात नहीं कर रही है। बहुत ही आपकी स्टोरी जो है रोचक है कि मैरिड भी है बच्चा भी है और साथ साथ में आपने जो है सर्विस में भी है इतनी सारी चीजों को मैनेज करना स्टूडेंट को तो यही समस्या रहती है कि टाइम कैसे मैनेज करें पूरा नहीं हो पाता है आपने दो तो आप uh, मैंने 2011 में uh, अपना ग्रेजुएशन किया था बीटेक साइंस से ग्वालियर से फिर मैंने विप्रो uh, टेक्नोलॉजीज में काम किया था 2014 हजार चौदह तक right. फिर मैंने 2015 में दिल्ली मेट्रो ज्वाइन किया कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की पोस्ट पर फिर तब से अब तक मैं यहीं पर हूँ

नहीं नहीं सर एक्चुअली मैंने जब विप्रो छोड़ा था तभी मैंने सोचा था कि मैं पीसीएस के लिए छोड़ रही थी विप्रो को लेकिन फिर फिर इतना नहीं पता था कि पीसीएस इतना टाइम ले लेता है एक ही साइकिल इतना टाइम ले लेती है ढाई से तीन साल का तो मीनवालाई जॉइंट डी एम आर फिर उस टाइम पर थोड़ा छोड़ दिया बीच में प्रिपरेशन फिर दोबारा फिर शादी हुई फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे, मुझे मोटिवेट किया कि आप यहाँ का दो अगर आपका ऐसा ही सपना था क्योंकि हमेशा मुझे मन में लगता रहता था कि ऑफिसर बनने का मन में रहता था कभी के बनना चाहिए कुछ करना चाहिए तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप राजस्थान का दो ट्राई करने में तो तो कुछ कुछ नहीं है फिर तो फिर मैंने फिर से बुक्स कुछ दो दो ढाई साल बाद फिर मैंने लिया ये वाला न, uh, conceive, conceive an and and and, uh, ये क्या है ना जो साधारण काम नहीं होता तो हम आपसे डिस्कशन यहीं से शुरू यही करना चाहेंगे कि कि आपको ऑफिसर बनना आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में सर ये तो मैंने जब मैंने छोड़ा था विप्रो तब उस टाइम मैंने सोचा था कि प्राइवेट नौकरी में ऐसे कुछ खास मजा नहीं आ रहा है शायद पब्लिक सर्विस में मुझे थोड़ा लोगों से कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है लोग आपको पहचानते हैं ज्यादा अभी वैसे तो डेली मेट्रो में भी काफ़ी है स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है डेली की लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पोस्ट थोड़ी मेरे प्रोफाइल से मैचिंग नहीं थी तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा कम है कम है आ, और फिर उस टाइम पे मैंने प्रमोशन के लिए भी ज्यादा ट्राई नहीं किया क्योंकि अगर प्रमोशन हो जाता तो मैं सेट हो जाती वहां पर कि चलिए ठीक है डेली में है बच्चा भी है पढ़ लेगा दिल्ली में ही उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ठीक है लेकिन मैंने उसी पोस्ट पर कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि हमेशा एक अच्छी पोस्ट एक बंगला होना चाहिए एक गाड़ी होनी चाहिए थोड़ा सा मतलब लोग रेस्पेक्ट करें आपकी सोसाइटी में एक, ये एक बहुत बड़ी बात होती है डिफरेंट सोशल सोशलिशन जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो तो सर सरकारी नौकरियां तो कई होती हैं पर

और यही हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहता था फिर बच्चे को अगर आप जैसे कि आपका छोटा बच्चा है ना तो आपको उसको देख के भी ऐसे फील होगा कि मतलब आगे जाके मैं इसे क्या बताऊंगी क्या बोलूंगी कि आप ऐसा क्यों करो आपको उसको ऐसे कहते हैं ना कि जैसे बच्चे वो, वो वो नहीं करते जो आप कहेंगे बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे तो आप जब तक उसको कुछ आप उसको बन के नहीं दिखाओगे अगर मैं उसको बोलूंगी तो वो बोलेगा कि मामा आपने क्या किया तो इस तरीके से रहता है कि मतलब उसको भी आगे चल के ये मोटिवेशन मिले कि मेरी मदर ने भी बहुत मेहनत की थी या उस टाइम पर जो भी अच्छी पोस्ट थी वो उन्होंने मुझे भी करना चाहिए मेहनत तो एक्चुअली तो मोटिवेशन मेरा बच्चा भी बहुत ज्यादा था मेरे लिए क्योंकि उसके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना था ये कृतिका जो आपकी ऑडियंस जो आपको वॉच कर रहे हैं सुन रहे हैं उनको जानना चाहिए लोग तो नॉर्मली कहते हैं शादी हो गई अब तो इसी में बाधा समझते हैं कि आप कैसे तैयारी करेंगे आप फिर एक बच्चा हो गया तो उसके बाद तो कहते हैं इसको संभालेंगे कैसे करेंगे आप अपने बच्चे को ही अपने मोटिवेशन का सोर्स बना दिया हाँ बिल्कुल आपने तो अपने बच्चे को ही मोटिवेशन का कारण बना दिया कि आज से बीस साल बाद पंद्रह साल बाद जो आपको जवाब देना उसकी तैयारी आपने अपनी मेहनत से अब खुद कर करके कर कर डेमोस्ट्रेट कर दिया कि वो पूछे कि अब तो बेटा आपको इससे ज्यादा ही करना है कम नहीं करना है मैं आर एस बन गई हूँ आपको आई आग एस बनना है कुछ और बड़ा काम करना है आप वो और भी कुछ कुछ बड़ा बने है कि लोग तो बच्चे को कई बार खोजते हैं कि अपने ड्रीम में अपने कोर में बारख है इसको क्या करें बट आपके संभालने के लिए जो बच्चा आपका उसको संभालने के साथ में और घर में कुछ सपोर्ट सिस्टम था आपका जी सर मेरी मदर इन लॉ थी मेरी मदर थी मतलब मैं ऑल्टरनेट चली जाती थी कभी मदर के पास कभी मदर इन लॉ के पास रहती थी और कभी जॉब में रहती थी तो तो फिर तो तो फिर दो या तीन घंटे की पढ़ाई कर सकती थी मैं जॉब में लेकिन दे दे? फिर मैंने दो महीने की लीव ली थी वहाँ से तो मेरी मदर इन लॉ संभालती थी बेबी को और मैं बाहर रहती थी या तो लाइब्रेरी में या तो कोचिंग में तो मैं ज़्यादातर घर पर नहीं रहती थी क्योंकि फिर वो बच्चा पढ़ने नहीं देता था तो एक जो ना मोटिवेशन के साथ साथ आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताइए कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपने कैसे किया 2018 थाउजेंड का एग्जाम दिया आपने तो ओवरऑल कितने घंटे की पढ़ाई की क्या टाइम मैनेजमेंट था आपका इसके बारे में थोड़ा लोगों से शेयर करिए सर एक्चुअली अगर आप जॉब में हैं और एक साल के लिए आप लगातार अगर तीन चार घंटे रोज पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम क्रैक करना आर uh, का तो नहीं uh, मतलब स्टेट uh, पीसीएस अब यूपीएससी uh, मैंने कभी अटेम्प्ट किया नहीं तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकती पर हाँ तीन चार घंटे अगर आप रेगुलरली पढ़े ना और कंसिस्टेंट रहें मतलब कुछ भी हो जाए आपको या तो आप uh, आपको सुबह अगर आप आप एक मॉर्निंग पर्सन है तो आप मॉर्निंग में आप कर लीजिए या आपको रात में टाइम मिलता है तो आप रात में कर लीजिए थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए आर्ट्स को तो तीन से चार घंटे अगर रोज़ पढ़ेंगे और फिर जैसे कि आपको मान लीजिए इतना नहीं हो पाता है तो जैसे मैंने दो या तीन महीने की आप छुट्टी लो तो उसमें तो मैं मतलब ऑलमोस्ट मैं नौ से दस घंटे पढ़ती थी क्योंकि वो ही जो था वो वो जो पीरियड था वो एक्चुअली और ऊपर से ये होता है ना कि मेंस जो एग्ज़ाम होता है ना वो मेंस में आपको पूरी मेहनत लगा देनी है जितनी आप कर सकते हैं ना जितनी ज़्यादा तैयारी जितने ज़्यादा आप अपने आप को झोंक सकते हैं मेंस में कर दीजिए क्योंकि वही एक चीज होती है जो आपके हाथ में है और मेन्स इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो मेन होता है क्योंकि इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं आप कुछ भी करें आप कितना भी पढ़े आपको पता नहीं वो सामने आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन मेन्स के लिए आप तीन महीने अगर मैं ये कह रही हूँ तो आप नौ दस घंटे पढ़ेंगे ना रोज तो इट इज वेरी इजी दैट यू विल क्रैक दैट एग्जाम मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि नौ दस घंटे आपको बिल्कुल लगातार पढ़ना है थोड़ा सा ब्रेक्स लीजिए बीच बीच में थोड़ा सा उठ के घूम लीजिए या अपने कुछ अः uh, अब जैसे मैं एक हाउस मतलब मैं जब घर में रहती थी तो मुझे काम वगैरह भी रहता था एकदम से ऐसे तो नहीं uh, कर सकती ना मदद तो मैं uh, का जैसे कि आपने ईयरफोन्स लगा लिए आप न्यूज सुन रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ उस टाइम में आपको करते रहना है इस तरीके से यूटिलाइज करते रहना है या इकोनॉमिक सर्वे सुन रहे हैं या बजट स्पीच सुन रहे हैं तो आप एकदम से सब कुछ नहीं आएगा लेकिन कई चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी उसके बारे में तो तीन महीने का जो भी टाइम आप दे रहे हैं डेडिकेटेड तो उसको मतलब पूरे टाइम उसके बारे में सोचते रहना सबसे बड़ी बात है ये और मतलब और नोट्स बनाना अपने और कोचिंग के नोट्स तो होते ही हैं वो देखिए जब आप जब आप किसी जॉब में रहते हैं ना तो आपको आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं हालांकि वो आपको बहुत ज़्यादा एज दे सकते हैं लेकिन जॉब में आप इतना नहीं कर सकते कि आप अपने खुद के नोट्स बनाए तो ऐसे में आप कोचिंग के लिए आपको जरूरत पड़ती है कोचिंग की अगर आप नहीं हैं अगर जैसे कि आप सिंपली तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो कोचिंग का ऐसा कुछ खास ज़रूरत है नहीं आप आराम से अपने नोट्स बनाइए और आप इजिली क्रैक कर सकते हो उस एग्जाम को का एक तो टाइम मैनेजमेंट की आपसे बात होगी कैसे आपने मैनेज किया नोट की भी टाइम नहीं मिला बट आपने तैयारी लेकिन पूरी पढ़ाई के दौरान में क्या पढ़े क्या छोड़े सिलेबस सारे कुछ पढ़ने में लोग बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं लोग आपके साथ भी स्टार्टिंग में हुआ होगा तो अपने एक्सपीरियंस से जस्ट शेयर विद ऑल द फ्यूचर एक्सपायरेंट्स कि हाउ टू सेलेक्ट एंड मेक रेलिवेंट स्टडीज देखिए सबसे ज्यादा तो आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है आ, जैसे कि आप की कोई एक कॉपी बना लिया आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की जैसे आपने कॉपी बनाई है तो इंडिया यूएस का आप एक आ, इतना मतलब आ, कुछ पेजेस उसके रखिए इंडिया अफगानिस्तान या आ, या किसी भी कंट्री के कुछ कुछ पेजेस रखिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ नई न्यूज मिल रही है उसके बारे में तो आप उस पेज में नोट कर लीजिए उसको आपके नोट्स बनाने का तो ये है और ज्यादातर और जैसे कि सुजस मैगजीन हुई या इकोनॉमिक uh, सर्वे हुआ या बजट स्पीच हुई uh, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वो होती है उनका थोड़ा ज़्यादा मतलब नॉलेज रखना ज़्यादा जरूरी है राजस्थान से रिलेटेड एक्ट uh, मतलब ज़्यादातर और uh, फिर आपका क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब हिंदी इंग्लिश में क्या है करने के लिए लेकिन उसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें तो आपको क्योंकि वो कम सिलेबस होता है और उसमें स्कोर ज़्यादा हो जाता है एक और जैसे आपका लैंग्वेज का है हाँ लैंग्वेज का है तो लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है तो उस पर जरूर मेहनत करिए और जैसे कि एक तो होता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है जनरल स्टडीज का बहुत ज्यादा होता है लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जैसे साइकोलॉजी कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजी या अब क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो साइंस uh, मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता था पर जैसे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी स्पोर्ट्स ये सब जो बाद में जो मेंस में ऐड होते हैं प्रीलिम्स के ऊपर आपके सब्जेक्ट्स उन पर अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो वो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं क्योंकि उसमें आप बहुत ज्यादा पढ़ते रहेंगे तो भी कम चांसेस हैं कि उसमें से आप इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाए लेकिन ये जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं ना तो इसमें स्कोर ज़्यादा अच्छा होता है तो मैं ये मानती हूँ कि हिंदी इंग्लिश और ये जो मेंस के सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं तो पहले जब हम आ, आ, पहले हम देते थे सब्जेक्ट से तो एम मैंने सब्जेक्ट से दिया था सोशोलॉजी से और क्रिमिनो से तो उसमें तो आप ये होता है कि सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि जी का इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है और मेन्स एक्चुअली क्वालिटी के बारे में ज़्यादा होता है के बारे में होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें लिमिटेड में स्पेस है तो आपको उसको अच्छी क्वालिटी तो आपके, आपके मटेरियल होगा और लिमिटेड मटेरियल होगा तब आप उसको इजीली पेपर पर लिख पाएंगे इसको थोड़ा सा जो आपने कहा क्वांटिटी और क्वालिटी के बाद इसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं आपने कहा कि प्री का जो प्रिपरेशन है, तो है उसमें क्वांटिटी की जरूरत ज्यादा है क्वालिटी तो घर वहाँ भी चाहिए लेकिन स्पेसिफिकली आपने प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड रखा है अलग अलग रखा प्रीमेंस को नहीं नहीं सर प्रीलिम को एक्चुअली एग्जाम तो मेंस का ही प्रिपेयर कर रहे होते हो आप क्योंकि प्रीलिम बस क्वालिफाइंग होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि अब, आपका, आप तो खैर चलिए आप मेहनती हैं गुड लक है आपने प्री को पहले अटेम्प में कर कर क्या करके आ कर है लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं हां नहीं ऐसे तो स्टूडेंट जिनको आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं हाउ टू मेक श्योर शॉट सिलेक्शन इन प्री प्री में जो क्वालीफाई कर सके इसके लिए कुछ बेसिक टिप्स दीजिए कि आप क्या कहना चाहेंगे आप प्रिलियम्स के लिए सर एक्चुअली बेसिकली करंट अफेयर्स और राजस्थान बहुत अच्छी तरीके से और उनके जो भी गवर्नमेंट के जो माउथ पीसेज हैं जैसे जो भी सुजस मैगजीन है या ये इकोनॉमिक सर्वे है या बजट स्पीचेस है ये सब बहुत ज्यादा क्योंकि उन्हीं में से वो डेटा वैसा का वैसा पूछ लेते हैं जैसे कि हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कुछ भी तो वो ऐसा का ऐसा डेटा आ जाता है उनमें से तो इन चीज़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और फिर मैथ्स रीजनिंग में अब जो इंजीनियर्स होते हैं वो थोड़ा मैथ्स रीजनिंग को इजीली निकाल लेते हैं क्योंकि आर्ट्स की कंपैरिजन में तो वहाँ पर स्कोर हो जाता है उनका प्रीलिम्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि राजस्थान को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और उनके जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल चीजें हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से नजर रखनी है वो डेटाज को भी याद करना है एक आप ये जो है ना अफेयर्स की जो बात है कि करंट में क्या पढ़ें क्या छोड़ें और किस कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए ये भी स्टूडेंट को एक डिलेमा होता है तो आपने इसको कैसे शॉर्ट आउट किया कैसे आप रेलिवेंट स्टडी किए करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स सर एक्चुअली वो इतना पिछले एक साल के करंट अफेयर्स आप ज्यादातर देख लीजिए जैसे कि योजना आती है या कई बार हमारे कोचिंग जैसे टेलीग्राम चैनल्स पे भी बहुत सारे पी अवेलेबल होते हैं करंट अफेयर्स के तो मैं वो पीडीएफ्स पढ़ती रहती थी किसी भी कोचिंग से मिले हैं या कहीं से भी मिले हैं तो उनको एक बार कर लेती थी अब प्रिलिम में तो बस ये होता है कि आप थोड़ा सा आपके नज़र में रहेगा ना तो वो आपको वहां पर ऑप्शन देख के याद आ जाएगा और सबसे बड़ी बात थी प्रिलिम्स में एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हो यहाँ पर तो elimination process को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके तरीके से और वो जो भी objective questions होते हैं हैं उनको attempt करना चाहिए एक तरीके की की बन जाती है। तो थोड़े बात करते आपने का elimination technique, जो कि आपके पास वहाँ मार्किंग भी है में हाँ जी, हाँ जी. तो जो सारी तैयारी करने के बाद यदि आपने हॉल में जाकर बेसिक स्किल आपने उपयोग नहीं किया तो यू माइट लूज इट तो आप उन चीजों पर बताइए जिसके कारण से जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर प्लस जो है ये जो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए जो आपने किया uh, सर मुझे लगता है कि अगर आप दो ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट के लिए तो जाना चाहिए क्योंकि वन बाय थर्ड जो भी मार्किंग होती है तो थोड़ा सा मतलब आप एकदम ही ब्लाइंड नहीं खेलना चाहिए आपको पर क्योंकि मैथ्स वगैरह में तो ठीक है आपका आंसर आ जाएगा आप श्योर हो उस बारे में लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं जानते हो दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो आप कि थोड़ा सा अगर आप जानते हो कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे इन दोनों में से कोई एक हो सकता है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो उससे ज्यादा भी नहीं जाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में और अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर कट ऑफ भी इतना हाई नहीं जाता है जितना वैसे जाता है ना दूसरे एग्जाम्स में जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें, कट उसमें कट उस बहुत हाई तो तो वगैरह में, तो। एक एक में कोशिश करिए मारे एक कैलकुलेटेड आप ले सकते हो की सेवेंटी थर्टी परसेंट अगर आप हो तो आप चांस ले लो लेकिन अदरवाइज तो आई वुड नॉट सजेस्ट वेरी एक मेंस की जो राइटिंग इसमें चार पेपर हैं अलग अलग पेपर हैं सबके अलग अलग क्राइटेरिया आपके राइट तो उसमें से कुछ हम पेपर वन टू थ्री फोर करके थोड़ी आपसे बात करना चाहेंगे कि पेपर वन की तैयारी जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसको ध्यान रखते हुए थोड़ी सी ब्रीफ में उसके बारे में बताइए सर वैसे आ, आ, उसमें तो मैं मेरी राइटिंग स्किल्स हमेशा से ठीक ठाक ही रही हैं तो मैंने एज सच बहुत ज़्यादा Uh, मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी पर मैं अपने कंटेंट को uh, जैसे कहते हैं ना एनरिच करने की कोशिश करती रहती थी जैसे uh, किसी की कॉपीज है या कोई आंसर्स है तो उनको पढ़ा और तरीके से तो मैं ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की क्योंकि वो शुरू से मैं ठीक ठाक रही हूँ राइटिंग में और वर्ड्स पर मिनट मैं ठीक लिख लेती हूँ तो मैंने ज़्यादातर uh, ध्यान दिया कि एनरिच करूं मैं अपनी उसको uh, जो भी नॉलेज uh, है उसको और कुछ भी जैसे अलग दिख रहा है आपको एक एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है कि ये चीज तो सब लिखने वाले हैं लेकिन आप उसमें से थोड़ा सा अगर आप अलग लिख दोगे उसको और मतलब एक एक होता है ना कि आर्ट्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि किसी तरह आपको कुछ लिखना है इसमें लेकिन साइंस थोड़ा कैलकुलेटेड चीजें लिखता है उसमें और मतलब डेटाज इंक्लूड करता है और तो इस तरीके से वो वो थोड़ा फर्क पड़ जाता है उस चीज से अच्छी बात है लेकिन आप थोड़े आप कुछ किसी खास पेपर में जिसमें आपकी अभिरुचि ज्यादा रही हो चारों पेपर मेंस में वो सबसे ज्यादा फेवरेट पेपर कौन सा था आपका सर मेरा तो वैसे मैं बोलूंगी साइंस था क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं मतलब ठीक ठाक ही रहा था राधा, मैं थी, एक ठीक स्टूडेंट थी एवरेज स्टूडेंट थी मैं स्कूल में तो साइंस के साथ मेरी थोड़ी वो ठीक थी क्योंकि इस बार जो आया जैसे कि आपका जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पूछा था तो आई वॉज एबल टू राइट इट ऑन द फुल बिकॉज आई हैव रेड इट कुछ बच्चों को हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम आई हो या उन्होंने स्पेक्ट्रम्स uh, के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लिया था उनकी जो वेवलेंथ वगैरह थोड़े उस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस उन्होंने ज्यादा पूछ लिए थे माइक्रोवेव की वर्किंग वगैरह तो मैं हालांकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल थी साइंस में तो वो पेपर मेरा अच्छा हुआ था। नमस्कार स्वाति है आर एस दो की परीक्षा में एस महिला श्रेणी में मैंने सातवीं रैंक हासिल की है ये मेरा पहला प्रयास था अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स अपने भाइयों गुरुजनों और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूंगी मेरी इस सफलता में चाणक्य आईएएस एकेडमी का बेहद बड़ा योगदान रहा आ, मेरी इस सफलता के तीनों ही चरण प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही चाणक्य एकेडमी ने और वहां के स्टाफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी थैंक यू सो मच लैंग्वेज के पेपर के बारे में थोड़ा तो बताइए आपने कहा कि उसमें सिलेबस छोटा है और नंबर क्या जाते हैं उसके बारे में थोड़ा तो बताइए लैंग्वेज में मुझे एक्चुअली हिंदी में क्योंकि हिंदी छोड़े काफ़ी टाइम हो गया था तो हिंदी थोड़ा सा मुझे मुश्किल था पिकअप करना जल्दी से तो उसके लिए मैंने वैसे तो मैंने कोचिंग में हिंदी के लिए मैंने क्लास ज्वाइन करी थी तो वहाँ पर जो भी उन्होंने पढ़ाया था वो मैंने डिलीजेंटली पढ़ा था मतलब जो बहुत सीरियसली पढ़ा था इंग्लिश मेरी ठीक रही है शुरू से तो इतना कोई मुश्किल नहीं हुआ मुझे पर हिंदी हाँ थोड़े लेटर्स वगैरह लिखने में और आ, क्योंकि उसमें वर्ड्स पर मिनट ना थोड़ा कम हो जाता है हिंदी में तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो पेपर बहुत लेंदी होता है तो आप कोशिश करिए कि आप क्वालिटी लिखो उसमें और मतलब और ऐसा नहीं कि पूरा पेपर अगर आप भरने चलेंगे या धीरे धीरे लिखेंगे ना तो वो पेपर छूट जाएगा अगर वो पेपर छूट गया आपका तो आपका सिलेक्शन मतलब बहुत आ, मतलब मेरिट में आना तो मुश्किल ही है अगर वो पेपर अगर आपका छूट गया क्योंकि वो इजी होता है आप अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन बच्चे ऐसे कोई स्टूडेंट्स ऐसे फंस जाते हैं कि देर तक लिख रहे हैं जैसे कि दो पेज दिए थे एक लेटर के लिए पर मैंने एक ही पेज लिखा था उस लेटर में क्योंकि उसमें मेरा कंटेंट पूरा हो गया था अब उसके लिए मुझे दूसरा पेज भरने की जरूरत नहीं थी कि जस्ट बिकॉज की दूसरा पेज दिया हुआ है आपको भरना है ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है तो आप मतलब ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है पेपर में और ये होता है कि एक क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको दो या तीन नंबर उसके एक्स्ट्रा दे सकता है लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका चांस ज्यादा है कि आपके बेटर मार्क्स आ जाएंगे आप कहना ही है चाहते हैं कि क्वेश्चन छूटे नहीं चाहिए हाँ छूट सबको बैलेंस करके राइटिंग करनी ताकि ऐसा नहीं कि आपने एक भी ज्यादा टाइम लगा दिया उससे दो तीन नंबर बढ़ जाएंगे

इंटरव्यू uh, में तो सर वो ज्यादातर आपको uh, आपका कॉन्फिडेंस uh, एक तो देखना चाहते हैं पर आपको नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए मतलब वो जो भी जिस भी तरीके के सवाल पूछ रहे हैं तो uh, लोग यूजुअली ऐसा कहते हैं कि वो सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता वो नॉलेज भी चेक करते हैं बराबर क्योंकि uh, वो जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अगर आप उसका ठीक से आप अपनी हॉबीज को अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप हॉबीज बहुत और दे आर वेरी वेरी लर्नड पीपल उनके पास हर जो भी आप कहेंगे उसके लिए उनके पास एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है तो अपनी हॉबीज बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए और मतलब ऐसे मत लिख दीजिए कि आप थोड़ा बहुत सुनते हैं तो हाँ वो ये मान सकते हैं कि ये उस बारे में सोचते ये उस बारे में सोच सकती है लेकिन शायद इसकी ये हॉबी वो नहीं है तो आप प्रॉपरली उनको अपनी हॉबी को जस्टिफाई करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको और वो जिस तरीके के भी क्वेश्चंस रख रहे हैं अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है पर अगर आपको नहीं आते तो भी घबराने का आपने भी हॉबी के क्या, आपकी पूछे? तो सर, में, आ, मुझसे, आ, मतलब जो मैं बुक्स उन्होंने पूछा कि कौन कौन से राइटर्स आप पढ़ते हो तो मैंने जो भी राइटर्स बताए उनके बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अलग क्वेश्चन पूछे थे जैसे की आपने कितने सौ

हाँ सर क्योंकि उसमें कोई सिलेबस नहीं होता है हॉबी में तो आप ऐसे नहीं कह सकते आप सब कुछ पढ़े आपकी हॉबी है तो आपने ये पढ़ लिया वो बुक्स उनको बता दिए पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उनके बारे में पूछने में जो जो बुक्स मैंने बताई थी फिर मैंने थोड़ा सा केयरलेसनेस में मैंने शायरी एक हॉबी लिख दी थी तो उन्होंने उससे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे थे जिनका मैं ज्यादातर आंसर नहीं कर पाई थी तो अपनी हॉबीज़ आप जो भी लिख रहे हैं कोशिश करिए है कि एक या दो हॉबीज़ वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपने तैयार करी हो तभी आप हॉबीज़ लिखो और आपके आपके स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स था ट्वेल्थ में तो वो मोस्टली बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहे थे आ, तो बायोलॉजी के मैं बहुत अच्छी तरीके से मतलब उन्हें डेफिनेशन नहीं बता पाई थी आ, फिर मेरे होम टाउन के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा वैसे कुछ खास नहीं था

मेंस में आपको बहुत ही के लिए तो आपको ये है कि लिमिटेड तीन महीने भी अगर आपको मिल रहे हैं तो इट इज टाइम मोर देन नफ क्योंकि अगर आपने प्रिलिम अच्छे से पढ़ा हुआ है देखिए सबसे पहले तो आप फिर आ, दो या तीन महीने प्रिलिम्स को दीजिए क्योंकि प्रिलिम थोड़ा इस तरीके से मुश्किल हो जाता है कि अगर आप वो ही नहीं क्रैक करेंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे तो okay. प्रिलिम्स के लिए आप सुजस बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और बजट बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए एक डेटा बाय डेटा वो लोग पूछते हैं उसको और आप करंट अफेयर्स उसके लिए कोई भी मैगजीन ले सकते हैं और रोज का न्यूज़पेपर एक पढ़िए न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत है आधा एक घंटा बहुत है आपको पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कौन सी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उसमें जैसे किसी मिनिस्टर का नाम है या आपके चीफ मिनिस्टर का या किसी भी तरीके से वैसे नाम है तो आप वो चीजें याद कर सकते हैं बाकी आ, प्रिलिम्स के लिए न्यूज इतना कोई खास वो रखता नहीं है और जैसे आप मेन्स पे जाते हैं तो एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए क्योंकि उससे आपका आंसर जो है ना वो एनरिच हो जाता है तो आप उसमें कोट्स वगैरह लिखें आंसर में या आपने कोई पोएम्स पढ़ी हो तो वो लिख लें और थोड़ा मेंस जो है ना थोड़ा प्रोडिक्शन का आ, प्रडिक्शन पर आप ज़्यादा अपने गट्स पर फीलिंग पर आपको विश्वास रखना होता है क्योंकि जैसे कि कोई नया ऐसा टॉपिक चल रहा है तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि हाँ ये टॉपिक आ सकता है आपके मेंस में पूछा जा सकता है तो आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए मतलब उस पर आंसर कितने भी कितने भी वर्ड्स का आए और फिर जब आप पेपर में बैठे हुए हैं तो आपको ये देखना है कि वो तीन नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है वो दस नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कितने नंबर का कितना स्पेस है उसमें ये नहीं कि आप छोटे से क्वेश्चन क्वेश्चन तो है तीन नंबर का उसमें आपने लिखना बहुत सारा है क्योंकि आपने पढ़ा बहुत सारा है अच्छा। तो उ, उस हिसाब से उस, उस मतलब वे, 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 जरूरी है। आप कहना चाह रहे हैं कि वो मत लिखिए जो सब कुछ जानते वो लिखिए जो क्वेश्चन चाहता है हाँ जो उस उस, उसके रिक्वायरमेंट देखिए वो, आपसे कितना पूछना चाहता है वो देखिए अगर वो दस नंबर का क्वेश्चन है तो आप ठीक है लिख सकते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स के अः मतलब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पर ज्यादा ध्यान रखिए कि आप बॉक्सेस बना पाए जल्दी जल्दी क्योंकि उस पर उनकी नजर जल्दी जाती है वो वो इतने लाखों कॉपीज वो हजारों कॉपीज चेक कर रहे हैं तो वो मतलब एक एक वर्ड पढ़ना बहुत ही मुश्किल है और वो नहीं पढ़ते होंगे उसको अंडरलाइन करिए जो आप आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको थोड़ा सा कैची बनाना है अपनी कॉपी को जिससे कि वो थोड़ा सा रुक कर थोड़ी सी आपकी बात सुनने को तैयार हो जाए आ, ये ये आपको देखना है और आ, आ, बस यही है कि और जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दो पेज है।, है दो, page है तो आपको दो ही कंटेंट लिख दीजिए जो भी प्रॉपर फॉर्मेट है सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें जो भी उन्होंने बताया वो होना चाहिए तो आपको सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे है क्लियर है और सबसे बड़ी चीज है बड़ा ही मोटिवेटेड से चेयरफुल को दिया Uh, शुभकामनाएं है कि आप सर्विसेज में जाएं आपको चॉइस की सर्विस मिल जाए इस thank पर कोई कमी रहेगी तो आपको दोबारा टीम ले तो उसमें जरूर मिले और आप राजस्थान में बहुत नाम अपना रोशन करें अपना परिवार का पूरा वेरी गुड गॉड ब्लेस है थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम और आपने सारी ऑनेस्टली अपनी चीजों को शेयर किया ठीक थैंक यू Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.